महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल की ओर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को खेल महाकुंभ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ ऐसा महाकुंभ है जिसमें सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के साथ ही आर्ट आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था और खेल कोटा प्रारंभ करने का भी फैसला किया गया है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से खेल विभाग कई तरह की योजनाओं को संचालित कर रहा है। खेल मुख्यमंत्री द्वारा खेल महाकुंभ को लेकर दूसरे तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को खेल की किट भी दिए जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। सबसे पहले तो खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो। शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज हो गया है। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं, वे ब्लॉक पे आते हुए ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए, जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुंचे हैं और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है और साथ ही खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए भी खेल महाकुंभ की नितांत आवश्यकता रहती है।